नेतन्याहू सरकार ने इसराइल में अल जजीरा चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। 5 मई को नेतन्याहू कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर शलोमो करही ने तुरंत प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। नेतन्याहू सरकार का कहना है, हमास के साथ जंग में चैनल की रिपोर्टिंग से नाराजगी के चलते ये फैसला लिया गया है। साथ ही इसराइल ने अल जजीरा पर कतर का माउथपीस होने का भी आरोप लगाया है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अल जजीरा इस्लामिक कंट्री कतर का मीडिया संस्थान है। इसे मिडल ईस्ट समेत दुनिया भर के देशों में देखा जाता है। इसराइल में भी अल जजीरा का दफ्तर है। यरूशलेम का एम्बेसडर होटल अल जजीरा का ठिकाना था, लेकिन अब इस दफ्तर पर ताला पड़ चुका है। BBC के हवाले से ये खबर है कि इजरायली पुलिस ने छापेमारी के बाद अल जजीरा के दफ्तर को सीज कर दिया। छापेमारी के दौरान कैमरे समेत कई इक्विपमेंट्स भी जब्त किए गए हैं। इजरायल के सूचना एवं प्रसारण मंत्री शलोमो करही ने छापेमारी की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर छापेमारी का वीडियो भी शेयर किया था। इस वीडियो में इजरायली पुलिस अल जजीरा के दफ्तर में घुसती नजर आ रही है। अल जजीरा ने भी प्रतिबंध वाली खबर की पुष्टि की है। चैनल की ओर से ये बताया गया है कि इजरायल के दूरसंचार मंत्री ने कैमरे, माइक्रोफोन, सर्वर और लैपटॉप, साथ ही वायरलेस ट्रांसमिशन को जब्त करने के आदेश दिए हैं। यहां तक कि उनके जर्नलिस्ट के फोन भी कब्जे में लेने के आदेश दिए गए हैं। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हमारी सरकार ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। नेतन्याहू ने अल जजीरा को उकसावे की हरकतें करने वाला चैनल बताया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अल जजीरा पर जंग को भड़काने और दुनिया भर में इजराइल की इमेज खराब करने का आरोप है। अल जजीरा ने कैबिनेट के आरोपों को निराधार बताते हुए लिखा कि उसका हमास से कोई भी संबंध नहीं है। चैनल पहले भी इन आरोपों पर जवाब देता आया है। अल जजीरा पर बैन लगाना अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। नेतन्याहू बीते कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस फैसले के लिए इजरायली संसद से मंजूरी मिलना जरूरी था। इसके लिए नेतन्याहू ने सबसे पहले संसद के वरिष्ठ मंत्रियों की मदद से एक बिल पास कराया, जिससे अल जजीरा नेटवर्क को बंद किया जा सके। इसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें इस फैसले पर अंतिम मुहर लगी। हालांकि इसके बावजूद नेतन्याहू केवल 31 जुलाई तक ही चैनल पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जुलाई के बाद बैन को आगे बढ़ाने के लिए उनको फिर से संसद की मंजूरी लेनी होगी। इजराइल ने अल जजीरा पर उस वक्त बैन लगाया है जब कतर हमास और इजरायली सरकार के बीच जंग रुकवाने के लिए बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है। लेकिन नेतन्याहू ने कतर पर आरोप लगाए थे कि वो सीज फायर के लिए हमास पर ठीक से दबाव नहीं बना रहा। बता दें कि 7 अक्टूबर को इजरायल हमास के बीच शुरू हुई जंग को 8 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान केवल एक बार 6 दिनों के लिए सीज फायर हुआ है। दिसंबर 2023 के बाद दोनों के बीच कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। बीते दिनों कतर के प्रधानमंत्री जासिम अल थानी ने कहा था, मध्यस्थता कराने में कतर की भूमिका का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कई देश अपने चुनावी कैंपेन के लिए कतर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हम दोनों पक्षों में समझौते के लिए एक हद तक ही अपना योगदान दे सकते हैं, इसके बाद फैसला उन्हीं को करना होगा। इसके अलावा BBC की रिपोर्ट कहती है, अल जजीरा पर बैन के बाद कतर आपत्ति जरूर जताएगा। इससे दोनों देशों के रिश्तों में कुछ वक्त के लिए तनाव पैदा हो सकता है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि कतर इस जंग को रुकवाने की कोशिश छोड़ सकता है। बहरहाल अल जजीरा पर प्रतिबंध लगाने वाले इजराइल इकलौता देश नहीं है। साल 2015 में अल जजीरा ने भारत के नक्शे का गलत प्रदर्शन किया था। इसमें POK और XI चीन को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। साथ ही नक्शों में लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप के कुछ इलाके भी नहीं थे। इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अल जजीरा चैनल पर 5 दिन का बैन लगाया था। इसके अलावा साल 2023 में अल जजीरा के एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया हु लिट द फ्यूज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।